हिमांशु शर्मा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। आज हम सेकंड इकाई है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा राजनीति विज्ञान में हर्बर्ट साइमन ने दी थी, ये प्रश्न पूछते हैं कई बार। और हर्बर्ट साइमन की जो पुस्तक है, जिस पुस्तक में इसने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा दी थी, उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशियलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? देखो, पहले हम अपना समाजीकरण पढ़ते हैं। साधारण समाजीकरण क्या होता है कि हर समाज में कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, अपने मूल्य, अपने आदर्श होते हैं। हम क्या करते हैं कि इन मूल्य, आदर्शों, रीति रिवाज, परंपराओं को अपने परिवार से, अपने विद्यालय से इनसे सीखते हैं, या ऐसे मान लो अपने पूर्वजों से सीखते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम इन संस्कारों को स्थानांतरित करते हैं। जैसे मान लो सत्य बोलना है, हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हमने पूर्वजों से सीखा है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती रहती है, ये अपने समाज के मूल्य हैं, मानक हैं। और ऐसा ही राजनीतिक समाजीकरण है कि जैसे राजनीति के जो मूल्य हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वही राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीति के जो मूल्य होते हैं, मूल्य मतलब अपनी जो संस्कृति होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। राजनीति के जो मूल्य, अपने समाज के भी मूल्य मैंने आपको बताया ना, आदर्श, वो समाजीकरण में होते हैं। और जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति के मूल्य वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसमें राजनीतिक संस्कृति या मूल्य में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं तथा उनका अनुरक्षण भी किया जा सकता है। जैसे कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती सरकार की, तो हम उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब देखो, समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में शामिल किया जा सकता है तथा राजनीति के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति तैयार की जा सकती है। अर्थात व्यक्ति को राजनीति में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण। अब हम राजनीति के प्रति अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं, वो राजनीतिक संस्कृति में आता है, समाजीकरण में आता है। तो ये दृष्टिकोण हम कैसे विकसित करेंगे? जब हम राजनीतिक समाजीकरण में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक समाजीकरण एक शिक्षण प्रक्रिया है, मतलब इसमें हम सीखते हैं, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के मानकों एवं मूल्य तथा व्यवहारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। बात वही है कि राजनीति के जो मूल्य हैं, जो मानक है, जो व्यवहार है, वो एक पीढ़ी से अगर हम दूसरी पीढ़ी में, या एक जैसे मान लो बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं राजनीति के बारे में, तो वो भी राजनीतिक समाजीकरण ही है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीति में प्रशिक्षित करना है, ठीक है, कि हम व्यक्ति को राजनीति में क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे मतदान करना है, किस दल को करना है, किस दल के क्या विचारधारा है, ये सारी हम राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं। अब देखो, राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया वो अदृश्य रूप से चलती है, हमें दिखाई नहीं देता कि कब हम किस दल के अनुयायी बन गए, कब हम सरकार का समर्थन करने लगे, कब हम सरकार का विरोध करने लगे। तो ये एक तरह से अदृश्य प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लेक्टर ने एक परिभाषा दी है राजनीतिक समाजीकरण की, वो देखो आप, कि व्यापकतर अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। मतलब वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम संस्कृति, मतलब राजनीति के मूल्य, आदर्श, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, वो है राजनीतिक समाजीकरण। इसके अलावा एक परिभाषा अमंड पावेल की भी इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है, राजनीतिक वस्तुओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, अपने प्रतिमानों, मान्यताओं तथा अभिरुचियों का निर्माण करता है और अपने व्यवहार की रीति निर्धारण करता है। अर्थात वह राजनीतिक संस्कृति और पद्धति का अंग बनता है। मतलब हम अपनी जो मान्यता है, रुचि, वो बनाते हैं राजनीति के प्रति, शुरुआत करते हैं, वो राजनीति समाजीकरण है। अब आपके ये प्रश्न अगर पूछे तो ये हर्बर्ट साइमन का पूछते हैं, किताब का नाम पूछ लेते हैं, राजनीति समाजीकरण का अर्थ पूछ लेते हैं और परिभाषा, तो ये एक प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन क्या है, किसके माध्यम से व्यक्ति वो राजनीतिक समाजीकरण सीखता है। तो सबसे पहला है परिवार। अब आपको सबको पता है कि परिवार बालक की प्रथम
पार्सल है ना। इसमें सारी चीजें हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो समाजीकरण के वैसे देखो मैं आपको बता दी, दो साधन होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक साधन और एक होते हैं अनौपचारिक साधन। औपचारिक साधन में दो आते हैं, परिवार एक, तो एक अपने शिक्षण संस्था मतलब विद्यालय कॉलेज, और एक अनौपचारिक जो होते हैं उसमें आते हैं जैसे राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, ये इसमें अनौपचारिक में आते हैं। अब देखो परिवार वाले की प्रथम पाठशाला है, परिवार के माध्यम से व्यक्ति रीति रिवाज परंपराओं मूल्य मान्यता आदि को सीखता है। परिवार में हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं जिससे हमें सत्ता का बोध होता है। अब देखो सत्ता का बोध हो रहा है कि हमारे परिवार में जो बड़े हैं उनका हमें कहना मानना पड़ेगा, और ऐसे ही राजनीति में होता है कि अपनी सरकार है अपना जो मुखिया उसका कहना हमें मानना पड़ेगा, यहीं से हमने सत्ता का बोध होता है। परिवार में हम सहयोग से रहना तथा मांग मनवाने के लिए दबाव बनाना सीखते हैं, और जैसे हमने परिवार में सीख लिया ना मांग मनवाने के लिए कि दबाव बनाना है, वही हम राजनीति में आगे चल के करते हैं कि हमें क्या करना, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम दबाव का सहारा लेते हैं। परिवार में मुखिया जिस दल का समर्थक होता है उसी के समर्थक बालक होते हैं। अब राजनीति के प्रति हम अपना दृष्टिकोण बना रहे हैं, जैसे मान लो अपने परिवार में कोई बीजेपी दल का है, कोई कांग्रेस दल का समर्थक है, तो शुरुआत में बच्चा उसी दल का समर्थक होता है। तो परिवार है वो समाजीकरण का सबसे पहला साधन है। इसके अलावा दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। अब परिवार में हमने जो अनुभव सीखा ना वो शिक्षण संस्थाओं में और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपनी विचारधारा के लोग जब उस विद्यालय में या कॉलेज में हमें मिलते हैं तो हम उन विचारों को और अधिक दृढ़ बना लेते हैं। अब देखो शिक्षण संस्थाओं में अलग अलग विचारधारा के बालक आते हैं जिससे विरोधाभास के साथ समायोजन करना सीखता है, और राजनीति में भी हमें क्या विरोधियों के साथ समायोजन करना पड़ता है, तो यहाँ से हमने सीख लिया। दूसरी है शिक्षण संस्थाओं में अपनी जो मित्र मंडली है, अपने जो फ्रेंड सर्किल है, और शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण होगा वह दृष्टिकोण बालक के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करता है। मतलब जिस दल का शिक्षक होता है उसी दल का अमूमन बच्चा उसका अनुकरण करता है और उसी दल के प्रति अपनी नीतियों का निर्माण करता है। या अपने दोस्त जिस दल के होते हैं हम भी उसी दल की नीतियों का अनुसरण करने लग जाते हैं। ये दो है औपचारिक समाजीकरण के साधन। अब है तीसरा जो है अनौपचारिक, तीसरा है राजनीतिक दल जो वाक्य में ही समाजीकरण करता है। राजनीतिक दल अपनी नीतियों कार्यक्रमों व विचारधारा के द्वारा समाजीकरण का कार्य करता है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, अतः वह लोगों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक दल चुनावों के समय रैली है, कोई पोस्टर है, कोई सभा के माध्यम से जनता को प्रभावित कर अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। अब देखो ये राजनीतिक दल क्या करता है, अपना समाजीकरण कैसे करता है कि वो अपनी विचारधारा अपनी नीतियां अपने कार्यक्रम अपने सामने रखता है। अगर हम उससे प्रभावित हो गए तो हमने अपनी अभिवृत्ति उसके प्रति एक तरह से सकारात्मक बना लिए और हम उस दल के अनुयायी बन जाते हैं और उसी दल को वोट देते हैं। तो यही ये राजनीतिक दल अपना समाजीकरण करता है। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक। अब राष्ट्रीय प्रतीक में क्या आता है, जैसे राष्ट्रगीत आ गया, राष्ट्रगान आ गया, कोई राष्ट्रीय पर्व आ गई, अपनी जो परेड होती है 15 अगस्त 26 जनवरी पे वो राष्ट्रीय परेड, इनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्था भाव पैदा किए जाते हैं। इसमें देशभक्ति और राजनीतिक व्यवस्था दोनों के प्रति आस्था भाव पैदा होते हैं तथा विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों में होने वाले उत्सव के माध्यम से बालक व व्यक्तियों में राजनीतिक व्यवस्था और देश के प्रति आस्था का भाव पैदा किया जाता है। अब स्कूलों में कॉलेजों में जो उत्सव जयंती मनाया जाता है ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही होता है कि सरकार के प्रति सकारात्मक भाव पैदा होना कि अमुक सरकार ने इस जयंती को मनाया है, इसमें उन्होंने ये कार्य किया है तो ये सरकार शायद अच्छी है। अगला है जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन जैसे टीवी रेडियो है, समाचार पत्र है, आजकल जैसे इंटरनेट है, मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये भी समाजीकरण के माध्यम से है। हम देखते नहीं कि कई बार प्रधानमंत्री है, अपने मुख्यमंत्री, अपने राज्यपाल है, ये व्हाट्सएप फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से अपने को अपनी नीतियों के बारे में जानकारी देते हैं और ये चाहते हैं हम उनके अनुयायी बने, उनकी नीतियों का पालन करें। चुनाव के समय मीडिया का जमकर प्रयोग किया जाता है। जिस समय चुनाव होते हैं ना उस समय तो ये मान लो मीडिया में हर चीज़ चुनाव अपनी जो प्रचार करना है ना वो हर चीज़ का प्रचार ये मीडिया के माध्यम से करते हैं। राजनेता मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों विचारों को जनता के सामने रखते हैं और अन्य दलों की नीतियों का आलोचना कर जनता को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं मीडिया के माध्यम से, जैसे मान लो
उनका जो विपक्षी दल है उस विपक्षी दल की ये क्या करेंगे, लगातार आलोचना करेंगे ताकि उनको ज्यादा वोट मिले और वो अपने उनके पक्ष में आए और उनको वोट देकर उनकी सरकार बनाए। तो विद्यार्थियों ये था राजनीतिक समाजीकरण। आप इस वीडियो को एक या दो बार देख लेना, समझ में आपके आ जाएगा। नहीं आए तो आप मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। धन्यवाद।